केशव ने देखा, कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर तीन अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? तीन अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। ठीक है भैया। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। ये लो। केशव ने झुक कर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी। ये लो। और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। तू गिर पड़ेगी। ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। ना भैया, कहीं तू गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। सच? दोनों चिड़ियां बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? और गिर पड़ती तो चार सरना हो जाते। हो जाते हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना, किसने किवाड़ खोला? अम्मा जी। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। बाहर गर्मी है, लू लग जाएगी, बीमार हो जाओगे। चलो लेटो, सो जाओ। चलो आंखें बंद करो।
चल चल श्यामा मेरी बेटी, कहना मानेगी, चल चल आंखें बंद, शाबाश शाबाश, दोनों सो जाओ। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। शाबाश शाबाश, सो जाओ। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वो दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया भैया भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए हैं। क्या? केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। और बच्चे कहाँ गए? तेज सर में, देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। हाँ? माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वो नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छुआ था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। तो वहां पहुंचा कैसे? चौकी पर स्टूल रख के चढ़े अम्मा जी। तू स्टूल था में नहीं खड़ी थी? तुमने तो कहा था। तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो अंडों को सिर्फ गद्दी पर रखा था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वो कभी कभी रो पड़ता था। दोनों